वर्ल्ड कप फाइनल से पहले ही योगी बाबा ने अचानक कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। मोहम्मद शमी को दिया ऐसा तोहफा, झूम उठा उत्तर प्रदेश का हर मुसलमान। पूरी जिंदगी योगी बाबा के तोहफे को भूल नहीं पाएंगे शमी। शमी के ताबड़तोड़ प्रदर्शन को देखकर योगी आदित्यनाथ ने दिखाया बहुत बड़ा दिल। पूरी टीम इंडिया करने लगी बाबा की जय जयकार। योगी को मुस्लिम विरोधी कहने वालों को चढ़ गया बुखार। जुमे के दिन शमी के गांव में बंटने लगे मिठाई। योगी के ऐलान के बाद पूरे गांव ने दिवाली मनाई। योगी बाबा ने शमी के लिए जो किया है उसे देखकर आप भी कहेंगे योगी हैं तो यकीन है। 19 नवंबर को टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाने वाला है। टीम इंडिया के करोड़ों क्रिकेट फैंस जीत की दुआ कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि 12 साल बाद एक बार फिर टीम इंडिया विश्व चैंपियन बने। पूरे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का विजय अभियान जारी है। इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने सेमीफाइनल समेत 10 मैच खेले और एक भी मैच नहीं हारी है। टीम इंडिया के बल्लेबाज और गेंदबाज जबरदस्त फॉर्म में। विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के बल्ले से जहां रनों की बारिश हो रही है, वहीं मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव की गेंदबाजी को देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर है। लेकिन इस वक्त टीम इंडिया के जिस खिलाड़ी की चर्चा सबसे ज्यादा है उनका नाम है मोहम्मद शमी। वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने जो कहर बरपाया है उसको देखकर हर कोई उनका दीवाना हो गया है। यहां तक कि अब योगी आदित्यनाथ ने उनके सम्मान में ऐसा ऐलान किया जिसे मोहम्मद शमी जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। योगी बाबा के इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश का हर मुसलमान झूम उठा है, तो वहीं योगी बाबा को मुस्लिम विरोधी बताने वाले लोग सन्नाटे में चले गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने जुमे के दिन शमी को ऐसा क्या तोहफा दिया उसको बताने से पहले आपको बता दें, इस वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने अब तक 23 विकेट ले लिया है और शमी ने यह कारनामा तब किया जब उनको पहले 4 मैचों में नहीं खिलाया गया था। विकेट लेने के मामले में शमी इस वर्ल्ड कप में सबसे आगे हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में तो उन्होंने गजब ही कर दिया जब उन्होंने 50 रन देकर 7 विकेट अपने नाम किए। शमी के इस अविश्वसनीय प्रदर्शन के बाद लोग सेमीफाइनल को शमी फाइनल बोलने लगे और हर तरफ उनकी तारीफ होने लगी। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके शमी की तारीफ में कसीदे पड़े और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके लिए अपना दिल खोल दिया है। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के रहने वाले हैं। यहां उनका छोटा सा गांव है जिसका नाम है सहसपुर अली नगर। मोहम्मद शमी की स्कूली शिक्षा पास के गांव पतई खालसा के इंटर कॉलेज से हुई। बीते शुक्रवार को जिस दिन जुमा था उस दिन शमी के गांव में अचानक बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे। अमरोहा के डीएम राजेश त्यागी के साथ पूरे जिले के आला अधिकारी शमी के गांव पहुंचे। पहले तो लोगों को मामला समझ में नहीं आया, लेकिन इसके बाद जब डीएम साहब ने शमी के गांव वालों को खुशखबरी सुनाई तो गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल योगी बाबा ने शमी के ताबड़तोड़ प्रदर्शन से खुश होकर उनके गाँव को बहुत बड़ी सौगात दी। योगी बाबा ने शमी के गांव में क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान कर दिया और साथ साथ गांव वालों के लिए एक ओपन जिम बनाने की घोषणा की। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तुरंत आदेश दिया कि जल्द से जल्द स्टेडियम का काम शुरू किया जाए। योगी मतलब फैसला ऑन द स्पॉट। योगी के ऐलान के बाद जिले के आला अधिकारियों ने स्टेडियम के लिए जमीन तलाशने का काम शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन की पूरी टीम शमी के गांव पहुंची और लोगों को इसकी खुशखबरी दी गई। योगी के ऐलान के बाद उनके गांव में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी अभी तक वर्ल्ड कप 2023 के 6 मैचों में 9.13 की औसत से 23 विकेट ले चुके हैं, जिसमें 3 बार वो 5 या इससे अधिक विकेट चटका चुके हैं और इसमें उनका स्ट्राइक रेट 10.9 का है जो हैरान करने वाला है। इन दो चीजों में वो टूर्नामेंट में बेस्ट रहे। मोहम्मद शमी ने कहा कि उनकी गेंदबाजी में कुछ भी असाधारण नहीं है और वो सिर्फ स्टंप टू स्टंप लेंथ में गेंदबाजी करने पर फोकस कर रहे हैं ताकि विकेट मिल सके। अब ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद पूरा देश शमी से फाइनल मैच में भी कर रहा है। दोस्तों, शमी की कामयाबी और योगी बाबा के इस ऐलान पर आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, चीवर 24।